नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। आज राजस्थान के 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आज राजस्थान में बादल फट सकता है। अगले 24 घंटों के भीतर राजस्थान में ताबड़तोड़ भयंकर से अत्यधिक भयंकर बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ जिलों में 1-2 स्थानों पर बादल फटने जैसी भारी बारिश की आशंका जताई है। आज सुबह 8:30 बजे राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में 208 मिलीमीटर दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि एक गंभीर चक्रवाती तूफान उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट पर है। इसके साथ ही अरब सागर से पाकिस्तान होते हुए पश्चिम विक्षोभी मध्य क्षोभ मंडल में एक सिस्टम बना रहा है। इससे वातावरण में जबरदस्त नमी हो रही है और यहाँ तेज रफ्तार से हवाएं चल रही है, जिससे राजस्थान में धुआंधार तो बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर में कहीं कहीं पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर के अंदर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि अगले 10 मिनट के भीतर उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में भयंकर से अति भयंकर बारिश होगी। इसके अलावा जयपुर, भरतपुर, जोधपुर संभाग में कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं पर ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान डूबने वाला है। राजस्थान में फिर होगी जबरदस्त अत्यंत भयानक बारिश। एक साथ 2 सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। एक पश्चिम विक्षोभ एक्टिव है तो दूसरी और बंगाल की खाड़ी से एक नया चक्रवाती सिस्टम हो रहा है, जिसका असर तो 12 राज्यों में रहने वाला है, लेकिन इस चक्रवाती सिस्टम से राजस्थान में भी भयंकर बारिश होने वाली है। कोटा संभाग फिर डूबने वाला है। आप सभी से विनती है कि नदी नालों से दूर रहें, भारी बारिश के चलते बाहर ना निकलें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।